तो ये WWE का लेटेस्ट न्यूज कॉम्बो, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसी के साथ अगर इसके बारे में बात करो तो गाइस, बहुत सारे लोग जो कि हैं वो मुझे फेसबुक पर मैसेज करते हैं, तो प्लीज यार फेसबुक पर जो कि हैं वो मैसेज मत करो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहता है, क्योंकि वो मुझे इंटरफेस जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो फेसबुक पेज मैनेजर वाला है। आप इंस्टाग्राम पर मेरे जो कि हैंडल @7urban11 वहां पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां पर मुझे डीएम करो, हम आराम से वहां पर बात कर सकते हैं, बट यहां पर प्लीज मत कीजिएगा। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, आप हमारी कम्युनिटी टैब के साथ जो कि कनेक्टेड रहें, बिकॉज अगले हफ्ते कुछ बड़ी चीज आने वाली है जिसके बारे में कि मैं आपको बताऊंगा जल्दी, बट उसकी टीजिंग मैं रेगुलरली वहां पर दे रहा हूं, जो कि सबसे बढ़िया गेस्ट कर लेगा मंडे तक, उसको जो कि है वो नेक्स्ट थर्सडे जो कि वो चीज अनवील होगी, उसी के साथ साथ एक शाउट आउट मिलेगा कम्युनिटी टैब में। तो आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं वर्मन, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है डॉल्फ ज़िगलर की लेटेस्ट अपडेट, जो कि डॉल्फ ज़िगलर हैं, उन्होंने बताया कि जब मैंने अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को जो किया वैकेंट कर दिया था, वो मेरा खुद का डिसीजन था। उसी के साथ उन्होंने बताया कि मैंने WWE को बैक किया, यानी कि उनसे भीख मांगी कि मुझे प्लीज कुछ टाइम के लिए ऑफ टीवी रहने दो। तो इसके चलते चलते WWE ने काफी कुछ जो कि उन्हें तंग किया, बट बैक थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, पर कुछ भी है ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ, बट जो भी है मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं हुआ था उनके साथ, अगर उन्होंने ऐसे भीख वगैरह मांगी थी। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें तो वह जिंदर महल, जो कि जिंदर महल एरा यानी कि मॉडर्न डे महाराजा की एरा है, वो शायद दोबारा से आ सकती है WWE में, बिकॉज इस बार जो कि बहुत बढ़िया टीजिंग ये हो रही है कि जो कि बॉबी रूड है वो अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप शायद रैंडी ऑर्टन के पास ड्रॉप कर सकते हैं, और रैंडी ऑर्टन जिंदर महल और बॉबी रूड का मैच हो सकता है रेसलमेनिया 34 पर, जो कि काफी ज्यादा अच्छा भी होने वाला है, पर मॉडर्न डे महाराजा जो कि है वो जीत सकते हैं। ये हमेशा का ही है यार, WWE इतनी जल्दी टाइटल बदलती रहती है, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं, कुछ लंबे टाइम के लिए बॉबी रूड को चैंपियन तो रखना चाहिए, बट आप बताओ कौन बनना चाहिए नए चैंपियन, जिंदर महल या रैंडी ऑर्टन, जो कि फॉरएवर थोड़े लंबे टाइम के लिए चल सकते हैं। तो सबसे आखिरी चीज के बारे में बात करें तो जो कि ब्रॉक लेसनर है, ब्रॉक लेसनर थोड़े से डेंजर में है, बिकॉज जो कि अभी के टाइम पर WWE और WWE को पता लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर जो कि लंबे टाइम के मेहमान नहीं है, तो ब्रॉक लेसनर को WWE कर सकती है फायर। ये आ रही है काफी बड़ी बड़ी अपडेट, बिकॉज ब्रॉक लेसनर WWE से शायद छुट्टी लेना चाहते हैं और वो वेट कर रहे हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के लिए, जैसे पीछे काफी ज्यादा डिस्कशन चल रही है। तो WWE क्या कर सकती है रेसलमेनिया पर ब्रॉक लेसनर को हरवाने के बाद WWE कर देगी फायर, जैसे कि क्या होगा 1 से 1.5 साल तक जो कि है ब्रॉक लेसनर UFC में नहीं लड़ सकते, जो कि US गवर्नमेंट का रूल होता है, ट्रेडमार्क रूल्स होते हैं। तो इस चीज के चलते चलते ये काफी बुरी खबर है ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए, बट उम्मीद करते हैं ऐसा ना ही हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं हूं हरमन।